हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश शॉर्ट एंड लर्न। तो आज असी करेंगे चैप्टर 25 डायफोनिक और टू वोवल साइंस। पहले असी वोवल किते सी 12 आ ए ई ओ ओ ऊ हैवी डॉट वोवल एंड हैवी डैश वोवल। तो लाइट वोवल किते ही ए ए ए और उ लाइट डैश वोवल किते सी। तो उस तो बाद असी किते ही डिपथोंग आई औ आए ते यू। तो अज असी करांगे डायफोन। डायफोन साडे कोल दो दिते हुए ने निशान, एक दा मूँह उपर नूं है और एक दा मूँह नीचे नूं खुला है। जिवें कि आपां आर अपवर्ड कीता सी, इनू असी आर दे नाल लिखिए, आर दे उत्ते तां इह 30 डिग्री एंगल ते लिखे जा रहे है। ये वाली शेप जिहड़ी है साडे डायफोन दी है। एक डॉट वोवल तो बाद जो कोई वोवल आता है, डॉट वोवल साढ़े को आ भी है, ए भी है। आ हैवी डॉट वोवल है, ए लाइट डॉट वोवल है। तो इस तो बाद एनी वोवल मीन इन 12 वोवल्स विचों कोई भी वोवल हो वाली जड़ा निशानी असी यूज़ करते हैं। जिमें वर्ड है साहिब, ए सर्कल, आ प्लस ए। इस तरह आ प्लस ए फस्ट वोवल साढ़े कोल डॉट वाला होवे, दूजा कोई भी होवे, चाहे वह लाइट होवे हैवी होवे चाहे लाइट होवे, तां असी जे वह फस्ट प्लेस द है तो फस्ट प्लेस ते लावांगे। फस्ट वोवल दे अकॉर्डिंग ए निशान नी जड़ी यूज़ करांगे असी फस्ट प्लेस ते। जिवें कि एस सर्कल अबव द लाइन बी ते आए बी तो पहला आ प्लस ए फस्ट प्लेस ते लगेगी ये डायफोन। ते जे साडे कोल सैकंड प्लेस रोल आ रहा हो वर्ड दे विच, जिवें कि वर्ड लेयर एल ए प्लस ए, तां एल ऑन द लाइन ते आर सैकंड फस्ट वोवल जिहड़ा है इन्हां दोनों विचों दी ये डिटरमिन करता है। जे वह डॉट वोवल है फस्ट या सैकेंड या थर्ड प्लेस वोवल है, जिमें इत्थे कि सैकेंड प्लेस है, तो डायफोन डॉट वोवल प्लस एनी वोवल वाला सैकेंड प्लेस ते लगेगा। लेयर लेटी एल ते फिर अगे है टी, एल ते टी, एल तो बाद सैकेंड प्लेस वोवल सी इसलिए एल ऑन द लाइन लिखे है। इस दे नाल ही एक वोवल होर आ रहा है ए, तो इट मीन फस्ट डॉट वोवल जिहड़ा है वह डिटरमिन करता है कि डायफोन जिहड़ा है सैकेंड प्लेस ते लगेगा। डॉट वोवल वाला डायफोन डॉट वोवल प्लस एनी वोवल, तो टी तो बाद ई वोवल। इस तरह ही बैटरियल बी ए वोवल होने करके ऑन द लाइन, फिर टी आर हुक यूज़ कर लेंगे, तो ए वोवल ते ए इट मीन सैकेंड प्लेस वोवल है ए बैटरे एल, तो सैकेंड प्लेस ते डायफोन लगेगा डॉट प्लस एनी वोवल वाला। सो नैक्सट वर्ड है सर्वेयर। जो असी वर्ड लिखते हैं आउटलाइन विदाउट लिफ्टिंग द पेन या पेंसिल लिखते हैं, लेकिन समझा लगे हैं तो मैं इत्थे पेन चक्या सी, पर तुसी इस तरह नहीं करना। सर्वेयर एस सर्कल ते आर सैकेंड प्लेस वोवल है ऑन द लाइन, ते फिर वी फिर आर। ते एयर ए प्लस अ सैकेंड प्लेस वोवल है फस्ट, दोनों विचों एक वोवल फस्ट वोवल जिहड़ा है वह डिटरमिन करता है कि डायफोन सैकेंड प्लेस ते लगेगा। और ये डायफोन लाइट एंड डार्क का ये कोई चक्कर नहीं हुंदा, लाइट लिख जाओ जा डार्क लिख दो, इस तरह ही निशानी यूज़ की जाएगी।
अगर थर्ड प्लेस वाउल है जिमें रियलिटी आर थ्रू द लाइन एल ते टी ई रियलिटी ए प्लस ए तो यह बिफोर साइड एल थर्ड प्लेस ते ये वाला डाइफोन लगेगा क्योंकि दोनों विचों फर्स्ट वाउल थर्ड प्लेस का है डिटरमिन करता है कि डाइफोन थर्ड प्लेस ते लगेगा। री एंटर ई प्लस ए ता आर थ्रू द लाइन एन डबल टी आर वास्ते ता ई प्लस ए आर तो बाद आ रहा है ते बिफोर एन थर्ड प्लेस ते लवेंगे डाइफोन ई है। री एंटर जियोग्राफिकल जे ते ई प्लस ओ थर्ड प्लेस वाला आ रहा है फर्स्ट जे तो बाद जियो जे गे आर एफ ते के एल जे गे आर एफ ते के एल थर्ड प्लेस वाउल होने करके दो वाउल आ रहे हैं जो फर्स्ट वाउल जो थर्ड प्लेस है तो यह निशानी आप थर्ड प्लेस से लवेंगे जियोग्राफिकल गेयर तो पहला चैंपियन सी एच च च दी बाद अपने को वाउल आ रहा है ए फर्स्ट प्लेस ते एम्प ते एन हुक ता ईन ई प्लस थर्ड प्लेस ते डाइफोन लग जाएगा एम पी तो बाद एम पी दी फॉर्म तो बाद हैवीएस्ट ये विच एच सेकंड प्लेस वाउल ऑन करके एच ऑन द लाइन वी फिर एस टी द लूप वी तो बाद ईएसट थर्ड प्लेस वाउल है दोनों विचों एक वाउल थर्ड प्लेस है तो यह निशानी थर्ड प्लेस से आप लावे डाइफोन की यह निशानी थर्ड प्लेस से लगेगी। ग्लोरियस गे एल तो बाद ओ वाउल आर ते एस गेल तो बाद ओवल इसलिए गेल ऑन द लाइन आर तो बाद ईएस ई प्लस अ ता थर्ड प्लेस से लवेंगे। क्रिएटर के आर तो बाद ई थर्ड प्लेस ओवल होने करके नैक्सट स्टॉक डाउन स्टॉक थ्रू द लाइन लिखांगे ता ई टी आर तो पहला थर्ड प्लेस से लग जाएगा। क्रिएशन के आर हुक्ड फॉर्म तो बाद थर्ड प्लेस वाउल है ई ते प्लस ए इट मीन डाइफोन यूज करांगे क्रिएशन थर्ड प्लेस यानी कि ऑन द लाइन लिखांगे ओरिजेंटल स्टॉक लाइन नो कट के नहीं लिख सकते। नेक्स्ट वर्ड है सीरियल थर्ड प्लेस वाउल है तो आर अपवर्ड यूज करांगे ते एल इत्थे ही डाउनवर्ड यूज कर सकते हैं। थर्ड प्लेस वाउल जेड़ा आर दी बिफोर साइड ते लग जाएगा आर तो बाद ई एल ई प्लस ए ता बिफोर एल लग जाएगा। सो नेक्स्ट वर्ड है सीरियस एस सर्कल आर ते एस एस तो बाद वाउल बिफोर आर लग गया ते ई एस आर तो बाद ए निशानी थर्ड प्लेस ते लग जाएगी डाइफोन दी क्योंकि पहला वाउल डॉट वोवल थर्ड प्लेस है। सो कुछ वर्ड इस तरह के आ जाते जिमें हेल्दीयर एच टिक एल डी आर हूँ ईयर सो ई प्लस इसनों असी थर्ड प्लेस से भी ला सकते हैं और या फिर इस तरह कट के लवेंगे हेल्दीयर जे असी इस तरह भी ला दीए तद भी असी ठीक तरह पढ़ सकते हैं बट दी और आर दे दरम्यान दी आर दी हुक्ड फॉर्म है इसलिए इन असी इंटरवीनिंग वाउल मानते हुए इस तरह का इंटरवीनिंग वाउल इस तरह लाया जाता है इंटरवीनिंग वाउल। जूनियर जे एन आर विच वाउल आ जा रहा ईयर तो इन असी एन नू लास्ट विच डाइफोन इस तरह कट्टांगे जूनियर
सो स्टूडेंट इस तरह ही साडा डाइफोन डॉट वॉवल प्लस एनी वॉवल वाला खत्म हुंदा है ते अगे आ जांदा साडे कोल डैश वॉवल प्लस एनी वॉवल। इहदे वास्ते पहले ए वाली असी कर ली ते ए वाला डाइफोन करन तो बाद हुण ए वाला डाइफोन करांगे डॉट वॉवल प्लस एनी वॉवल। इहदे विच हैवी डॉट डैश ना सॉरी हैवी डैश वॉवल प्लस एनी वॉवल डैश वॉवल ओ ते ऊ हैवी वॉवल ही ले ने जिमें फ्लोए एफ एल ओ वॉवल होने करके डाइफोन साडा फस्ट प्लेस ते लगेगा फ्लोए। सो इस तरह ड्रॉअर ओ प्लस ए तो डी आर ओ ए ओ आर ड्रॉअर ड्रॉइंग्स डी आर ऑफ द लाइन क्योंकि ओ फर्स्ट प्लेस वॉवल है इंग्स ड्रॉइंग्स। सो कॉइंग के तो बाद ओ ते वॉवल है फर्स्ट प्लेस अगे दूजा कोई भी आ रहा है तो यह उस तरह जिमें पिछे यही करके आए हैं बारह विच्चों कोई भी वॉवल आ रहा हो साडा डाइफोन फस्ट प्लेस ते लगेगा जिमें कि क्योंकि फस्ट वॉवल दोनों विचों फस्ट वॉवल डिटरमिन करता है कि डाइफोन ये जे वो फस्ट प्लेस है तो स्टोक दे फस्ट प्लेस ते लगेगा। जे सैकेंड प्लेस वॉवल है जिमें शोई ओ साडे कोल सैकेंड प्लेस वॉवल है डैश वाला हैवी डॉट तो शो ऑन द लाइन ओ प्लस एनी वॉवल तो डाइफोन साडा सैकेंड प्लेस ते लगू। जिमें कि वेस्टॉल बी एस सर्कल टी ते एल हुण इत्थे भी यह सैकेंड प्लेस ते लगेगा। सो नैक्सट वर्ड है पोएट पी ते पी ऑन द लाइन क्योंकि वो सैकेंड प्लेस वॉवल है तो ये अकॉर्डिंग ये डाइफोन साडा डैश प्लस एनी वॉवल वाला सैकेंड प्लेस वॉवल है तो ऑन द सैकेंड प्लेस ते लगेगा। पोएटिकल पोएट ऐसे लिखे सी के एल लग्या गया पोएटिकल तो डाइफोन उस तरह ही सैकेंड प्लेस ते क्वेरशन के ते आर इशन हुक क्वेरशन फस्ट वॉवल जड़ा डैश वॉवल होने करके सैकेंड प्लेस का होने करके डाइफोन ए वाला अपना सैकेंड प्लेस ते लवेंगे। कोइंसिडेंट ता इहदे विच कोइंसिडेंट कोइनसाइड सॉरी कोइनसाइड ता सैकेंड प्लेस वॉवल होने करके नैक्सट जिहड़ा भी डाउन स्ट्रोक है ऑन द लाइन लिखांगे सैकेंड प्लेस ते लवेंगे डाइफोन एस तो बाद वाला वॉवल इत्थे लग जाएगा बिफोर डी कोइनसाइड। कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट भी बोल देंगे अपन कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट सो सैकेंड प्लेस वॉवल होने करके डाउन स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखांगे हाफ डी कोइंसिडेंट। ते हैरोइक एच ऑन द लाइन क्योंकि सैकेंड प्लेस वॉवल है आर ते के ते आर तो बाद ओ जड़ा सैकेंड प्लेस वॉवल है तो डाइफोन जड़ा सैकेंड प्लेस ते लगेगा हैरोइक। तो अगला वर्ड लीए ब्रुइन थर्ड प्लेस वॉवल है बी आर तो बाद तो बी आर थ्रू द लाइन तीन हुक यूज़ करांगे ते ऊ प्लस एनी वॉवल ब्रुइन ये जी डाइफोन है थर्ड प्लेस ते लवेंगे ब्रूरी बी आर लाइन कट के थ्रू द लाइन ते ऊरी ब्रूरी तो यह निशानी जी सा डाइफोन की थर्ड प्लेस ते लगेगी आर तो बाद ई वॉवल। लुइसा एल एस ऊ प्लस ए लुइसा थर्ड प्लेस ते इस तरह ही लुइस एल नोइस एस सर्कल लवेंगे थर्ड प्लेस वॉवल होने करके पहला डैश वाला तो दूजा कोई भी है तो यह डाइफोन थर्ड प्लेस ते लगेगा लुइस
नेम थले निशानी यूज करते हैं। ड्रुइडिकल डी आर आपां डीली इदा किया ड्रुइडिकल उइडिकल तो निशानी जी साड़ी थर्ड प्लेस से लगेगी। ड्रुई डी तो बाद फिर वोवल जो के एल दी बिफोर साइड से लग जाएगा ड्रुइडिकल। शोइंग शोइंग दे विच इश तो बाद ऊ वोवल है दूजा कोई भी है तो इट मीन डाइफोन थर्ड प्लेस से लगेगा इसलिए इश आपां थ्रू द लाइन लिखा है शोइंग। हैलोइंग एच ए वोवल फस्ट प्लेस है इसलिए एल अबव द लाइन रहेगा क्योंकि एच टिक दी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस कोई नहीं तो नैक्सट स्ट्रोक फिर अभी अबव द लाइन लिखते हैं। ऊइंग इंग तो पहला थर्ड प्लेस वोवल है ऊ तो ये अकॉर्डिंग है डायफोन दूजा कोई भी है वोवल बारह विचों तो यह निशानी डायफोन थर्ड प्लेस से लगेगा बिफोर साइड इंग दी। सो स्टूडेंट कई बार इस तरह के वर्ड भी आ जाते हैं जिमें स्पैनियर्ड एस पी सर्कल एन ते आर डी स्पैनियर्ड एन तो बाद एड ए प्लस इस तरह थर्ड प्लेस से आप लावे ये वोवल क्योंकि फस्ट प्लेस फस्ट वोवल जो थर्ड प्लेस डॉट वोवल है तो डाइफोन ए वाला यूज करा तो मिलियन एम थ्रू द लेन क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल है एल तो बाद ईयर ई प्लस पहला वोवल डॉट वाला है तो दूजा कोई भी आ रहा है भावें वह डैश वाला हो चाहे डॉट वाला हो थर्ड प्लेस से लावे डाइफोन डॉट वोवल प्लस एनी वोवल वाला। तो इस तरह ही नैक्सट है साढ़े को बुलियन बी थ्रू द लाइन तो एल नू एन हुक बुलियन बी तो बाद थर्ड प्लेस वोवल एल तो बाद ई। सो स्टूडेंट इस तरह ये चैप्टर इतने कंप्लीट होंगे तो अगे फिर साढ़े को ग्रामर लॉज कोई दिते हुए ने ग्रामर लॉज नहीं बल्कि आह पैराग्राफ आ गए 95 and 96 इन्हों पेज से तीन तीन चार 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 वर्ड लिख लेना तीन तीन वर्ड लिख लेना तो फिर उन्हों की प्रैक्टिस करना। तो इस तरह ही फिर इस तो बाद पैराग्राफ्स आ जाएंगे इन्हों की डिक्टेशन एक्सरसाइज मैं तुम्हें हमने जल्दी ही अपलोड कर देंगे ये ग्रामर लॉज कोई नहीं आए। सो जे तुम्हें मेरा यह चैनल मैथड पढ़ाने का तरीका ठीक लग्या हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट वरी बी हैप्पी।